नमस्कार दोस्तों, मैं जय किशन आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल जय इन्फो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मार्कशीट क्रिएट करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आ चुके हैं और यहां पर जो हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे उस टेबल में हम लोग ओरिएंटेशन का भी यूज करेंगे। और उसके बाद जो हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे उस टेबल को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, इसके बारे में जानेंगे और उसको हम लोग वापस से अनप्रोटेक्ट कैसे करेंगे इसके बारे में समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो है 8 सेल सेलेक्ट करेंगे रो वाइज, और उसके बाद जो हम लोग मार्जिन सेंटर कर लेंगे इसको, और उसके बाद इसमें हम लोग टाइप करेंगे मार्कशीट। इसके बाद अगले सेल में आएंगे और यहाँ पर हम लोग, और उसके बाद यहाँ पर हम लोग 4 रो सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद इस तरह से हम लोग कॉलम सेलेक्ट करेंगे 8 सेल, और उसके बाद इसको भी हम लोग मार्जिन सेंटर कर लेंगे, और इसमें हम लोग टाइप करेंगे इंस्टीट्यूट का नेम और उसके बाद जो है उसका एड्रेस। तो चलिए हम लोग टाइप कर लेते हैं और इसके बाद हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेंगे और बोल्ड कर लेंगे। इसके बाद इसका साइज हम लोग 12 कर लेंगे, और इसके बाद हम लोग इसमें अगले लाइन में आएंगे तो ऑल्ट प्लस एंटर प्रेस करेंगे, और इसके बाद हम लोग इसमें इंस्टीट्यूट का एड्रेस देंगे, और उसके बाद जो है वापस से नेक्स्ट लाइन में आएंगे और यहाँ पर हम लोग दे देंगे, और इसके बाद जो है हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे इस तरह से, बोल्ड को अनबोल्ड कर लेंगे, और इसके बाद जो है हम लोग अगले सेल में आएंगे और यहाँ पर हम लोग आएंगे और यहाँ पर हम लोग दे देंगे सब्जेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट सेल में आएंगे और इस सेल में आने के बाद हम लोग यहाँ से 3 सेल को सिलेक्ट करेंगे और मार्जिन सेंटर कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट सेल में आएंगे वापस से और इसमें भी हम लोग 3 सेल को सिलेक्ट करेंगे और मार्जिन सेंटर कर लेंगे। इसके बाद इस सेल में हम लोग वापस आएंगे और इसमें हम लोग टाइप करेंगे बेसिक ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट सेल में आएंगे और यहाँ पर हम लोग दे देंगे टैली ईआरपी 9, और इसके बाद जो है हम लोग इस सेल में आएंगे और यहाँ पर हम लोग देंगे थ्योरी, और नेक्स्ट सेल में प्रैक्टिकल, इसके बाद टोटल, और उसके बाद जो है नेक्स्ट सेल में आएंगे और इसमें हम लोग वापस से थ्योरी देंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल, उसके बाद टोटल, और इसके बाद हम लोग इन सभी सेल को सिलेक्ट करेंगे, और इसके बाद ओरिएंटेशन में जाएंगे। ओरिएंटेशन में आपको रोटेट टेक्स्ट ऑफ में जाना है और इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर जो हमारा टेक्स्ट रोटेट हो चुका है, इसके बाद इसका अलाइनमेंट सेंटर कर लेते हैं, और इसके बाद हम लोग पेज को जूम कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम लोग दे देंगे टोटल। नेक्स्ट सेल में आते हैं और यहाँ पर हम लोग दे देंगे ऑप्टेन। इसके बाद इन सभी को सिलेक्ट करेंगे, बॉर्डर में जाएंगे ऑल बॉर्डर। इसके बाद हम लोग यहाँ पर थ्योरी में नंबर्स दे देंगे, और उसके बाद जो है यहाँ पर भी हम लोग दे देंगे, और इसके बाद जो है हम लोग टोटल कैलकुलेट कर लेंगे इन सभी का। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो है बेसिक ऑफ कंप्यूटर का टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर हम लोग सेल को सिलेक्ट करेंगे थ्योरी और प्रैक्टिकल का, ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा टोटल कैलकुलेट हो चुका है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर ड्रैग करते हुए दोनों का टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम लोग आएंगे टैली में, और टैली ईआरपी 9 में भी हम लोग टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर हम लोग दोनों सेल को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा टोटल आ चुका है, इसके बाद हम लोग दोनों का टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं इस तरह से ड्रैग करते हुए, और उसके बाद जो है हम लोग इस सेल में आएंगे और यहाँ पर हम लोग इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और मार्जिन सेंटर कर लेंगे, और इसके बाद यहाँ पर हम लोग टाइप करेंगे ग्रैंड टोटल, ऑल्ट प्लस एंटर प्रेस करेंगे नेक्स्ट लाइन में, और यहाँ पर हम लोग टोटल दे देते हैं। इसके बाद इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, अलाइनमेंट इसका सेंटर कर लेते हैं, और इसके बाद हम लोग यहाँ पर ग्रैंड टोटल कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर आते हैं और इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन। तो यहाँ पर हम लोग ग्रैंड टोटल करेंगे बेसिक ऑफ कंप्यूटर का और टैली ईआरपी 9 का। तो यहाँ पर हम लोग इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो है कॉमा देंगे, और उसके बाद इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, और इसके बाद जो है हम लोग ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा ग्रैंड टोटल कैलकुलेट हो चुका है। इसके बाद हम लोग दोनों का ग्रैंड टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं इस तरह से ड्रैग करते हुए। तो यहाँ पर जो हमारा दोनों का ग्रैंड टोटल कैलकुलेट हो चुका है। इसके बाद हम लोग मार्कशीट को सिलेक्ट करेंगे और इसका हम लोग फॉन्ट साइज बढ़ा लेंगे। इसके बाद फॉन्ट बोल्ड कर लेंगे,
और इसके बाद यहाँ पर हम लोग इसका कलर कर लेंगे, और उसके बाद इन तीनों सेल को सिलेक्ट करेंगे, और इसके बाद जो है हम लोग बोल्ड कर लेंगे इसको। इसके बाद यहाँ पर हम लोग इन दोनों को भी सिलेक्ट करेंगे और बोल्ड कर लेंगे। इसके बाद ग्रैंड टोटल को भी सिलेक्ट करेंगे और इसको भी हम लोग बोल्ड कर लेंगे। इसके बाद हम लोग पूरे टेबल को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो है इसका अलाइनमेंट हम लोग सेंटर कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा मार्कशीट टेबल जो है क्रिएट हो चुका है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोग एक्सेल में इस टेबल को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे इसके बारे में हम लोग समझेंगे। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा कि माइक्रोसॉफ्ट विजुअल फॉक्स सोलो से रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं, जैसे कि स्कूल मैनेजमेंट प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाता है और भी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स वीडियो जो है बन चुके हैं। तो उन सभी वीडियो को प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल पर विजिट करके भी उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो है टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद जो है रिव्यू में जाएंगे, और यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास प्रोटेक्ट न्यू शीट का एक विंडो ओपन हुआ है, और यहाँ पर आपको पासवर्ड देना है। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से पासवर्ड दे सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग पासवर्ड दे देते हैं और उसके बाद जो है हम लोग ओके कर लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड का एक और विंडो ओपन हुआ है, तो हम लोग उसी पासवर्ड को वापस से यहाँ पर देंगे और ओके कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा शीट प्रोटेक्ट हो चुका है। इसके बाद हम लोग चलिए इसमें देख लेते हैं कुछ भी चेंजेस करके। तो यहाँ पर हम लोग कुछ भी चेंजेस करते हैं तो देखिए यहाँ पर जो है मैसेज हो रहा है, यानी कि आप इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो इसको क्लोज कर लेते हैं और चलिए हम लोग दूसरे सेल में भी देख लेते हैं कुछ भी चेंजेस करके। तो यहाँ पर हम लोग कुछ भी चेंजेस करेंगे तो यहाँ पर इसमें नहीं होगा, तो इसको हम लोग ओके कर लेते हैं। इसके बाद चलिए जान लेते हैं कि हम लोग इस शीट को कैसे अनप्रोटेक्ट करेंगे। तो वापस हम लोग उसी टैब में जाएंगे, यानी कि रिव्यू टैब में, और उसके बाद यहाँ पर आपको अनप्रोटेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने पासवर्ड दे करके प्रोटेक्ट किए थे उसी पासवर्ड को यहाँ पर हम लोग वापस देना है, तो यहाँ पर हम लोग दे दिए और ओके करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा शीट अनप्रोटेक्ट हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मार्कशीट टेबल क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद जो है इसमें आप शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो जब अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।